हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इजू की लाइफ में। आज हम आप लोगों को जो ये गाय दिखा पा रहे हैं, ये 21/8/2018 गढ़नी मंडी जो आरा डिस्ट्रिक्ट स्टेट बिहार में है। तो ये देख सकते हैं आप, ये सेल हो चुकी का गाय का प्राइस मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। पूरे मंडी में ढूंढने के बाद इस गाय का के ऊपर डिमांड ज़्यादा हुआ, और कैसे डिमांड उतार और चढ़ाव होता है वो आज मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। पूरी मंडी में मुझे लगता है कि 14 लीटर 13 लीटर दूध करने वाली मात्र 3 से 4 गाय थी, और 2 दांत में यानी फर्स्ट लैक्टेशन में मात्र ये 1 गाय थी, और इसका बांट वगैरह भी बहुत बढ़िया था। इस वजह से इसका हाईएस्ट प्राइस में ये सेल भी हुई है। मेरे हिसाब से आप भी अनुमान लगा सकते हैं, इसको 43,000 में इसको परचेस किया गया है, और ये सेल्स जो यहाँ के ये सेल्समैन थे उन्होंने सेल किया है 43,000 में, जो कि 2 दांत की गाय है काफ मेल के साथ। लगभग 14 लीटर दूध होना चाहिए इसके अंदर, 12 से 14 लीटर तक के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर दूध होगी। मंडी में गाय कम होने के वजह से प्राइस का चढ़ाव ज़्यादा रहता है, मांग ज़्यादा हो जाता है, और उस पर लोग ज़्यादा आने लगते हैं, तो बेचने वाला भी आप आदमी समझ जाता है कि गाय की मांग ज़्यादा है। इस वजह से प्राइस इस तरह की मंडी में अगर आप जाते हैं, अगर आपको एक आध हफ्ता लेट है या 4-5 दिन लेट से भी खरीद सकते हैं, तो मंडी में गाय ज़्यादा अगर आई हुई है तो परचेस करें, ताकि आपको सही भाव में एक अच्छा प्राइस में मिल जाए। मेरे अंदाज से इसका गाय का प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 37,000 से 38,000 तक के ये प्राइस होना चाहिए था, हार्डली 40,000 के अंदर ही होना चाहिए था, एक अनुमान था, क्योंकि काफ मेल के साथ। आपको कैसा लगा आप अपना कमेंट बता सकते हैं कि हाँ ये गाय कितना प्राइस तक होना चाहिए। तो मंडी में चढ़ाव उतार होते रहता है, बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि ये ज़्यादा महंगा है या ये कम है, तो मंडी के हिसाब से होता है। बंदा खरीदने जाता है तो खरीद ही लेता है, चाहे थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ जाए या कम। ये देख सकते हैं धार वगैरह चेक किया जाता है फाइनल बात करने के बाद। तो दोस्तों, ये कैसी लगी गाय आप कमेंट में राय दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।